और इनसे ये कहा जाए, धमकी दी जाए कि अगर आप इन कुछ समयों के अंदर अंदर नहीं मानते हैं तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट रेडी हो रहा है, हम आपको परमानेंटली बैन करेंगे जैसे चाइना ने कर रखा है, और हम अपने प्लेयर्स को मार्केट में लाएंगे, और इंडिया के पास अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि नव निर्माण के लिए पूर्ण विध्वंस किया जाएगा। आज हम बात करेंगे कि कैसे मोदी गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया है, या फिर कहें कि पुरानी बात थी, ये ताज़ा ताज़ा नहीं, कैसा नहीं कि मोदी सरकार के एक प्रवक्ता के द्वारा पेश की गई सो कॉल्ड फेक ट्वीट पे मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लग गया, तो मोदी सरकार ने सोचा कि सारे सोशल मीडिया वेबसाइटों को बैन कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। ये क्या है मुद्दा, क्या पहले की बात थी, क्या ताज़ा है, क्या बदले की भावना है, क्या है, क्या इससे कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, क्या इससे कोई ऐप वंचित हैं, कोई बचा रह जाएगा या सच में बैन हो जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। इस वीडियो में बने रहिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, और अपना पॉइंट भी बताइए कि क्या बैन होना सही है भारत के लिए, बैन हो जाएगा तो सब्स्टिट्यूट क्या है हमारे पास, और क्या सरकार को एक बार एक्शन ले लेना चाहिए ताकि इन लोगों को एकदम टाइट किया जा सके, वरना लोग लाइट लेते हैं। पच्चीस फरवरी को सरकार ने कहा था कि आप इन इन गाइडलाइंस के तहत आ जाइए, इन इन रूल्स के तहत अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए, अथवा 3 महीने तक का आपको समय दिया जाता है, अगर आप नहीं आते हैं तो हो सकता है कि आपको भारत में रहने का ऑपरेट करने का हक ना दिया जाए। इन लोगों ने कहा कि नहीं, हमें 3 महीने नहीं, हमें 6 महीने का समय दिया जाए, और तब से लेकर अब तक इन्होंने कंप्लाई नहीं किया इन गाइडलाइंस से, इन पॉलिसीज से। ये लोग कौन कौन है? ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। अब इस मुद्दे में फेसबुक ने अपने लिए एक छोटा सा पैसेज बनाते हुए ये कहा है, सुनिए मैं पढ़कर सुनाता हूँ, आपको दिख भी रहा होगा। वी एम टू कम्प्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द IT रूल्स एंड कंटिन्यू टू डिस्कस अ फ्यू ऑफ द इशूज विच नीड मोर इंगेजमेंट विद द गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू द IT रूल्स वी आर वर्किंग टू इम्प्लीमेंट ऑपरेशनल प्रोसेस एंड इम्प्रूव इफिशियंसीज। फेसबुक रिमेन्स कमिटेड टू द पीपल्स एबिलिटी टू फ्रीली एंड सेफली एक्सप्रेस देमसेल्व्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इसने अपना पक्ष क्लियर कर लिया कि हम पूरा आज़ादी देते हैं, हम पूरा देंगे, हर बात के लिए कंप्लाई करते हैं, लेकिन सरकार ने मांगा कुछ और था, और इन्होंने सोचा कि हम छुट मुट चीज़ें दे के मतलब अपने आप क्लैरिफाई कर दें कि हमारी मंशा क्या है, जिससे सरकार को थोड़ी संतुष्टि मिले और हम एग्जिस्ट कर पाएँ, हमारे ऊपर ये 3 महीने वाला और नई गाइडलाइन को ना थोपा जाए। आपको आगे भी बताएंगे सरकार ने एक्चुअली में क्या कहा था। आपको ये दिख रहा होगा, द न्यू रूल्स वर अनाउंस्ड इन फरवरी विच रिक्वायर्स लार्ज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप टू फॉलो एडिशनल ड्यू डिलिजेंस इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट ऑफ अ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन एंड रेजिडेंट ग्रेवियंस ऑफिसर। इसका मतलब क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? आप देख रहे हैं बहुत समय से ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसपे अब सरकारों को भी आपत्ति है, जनता भी शौक में रह जाती है कि ऐसा हो कैसे जाता है, कि मतलब किसी किसी आवाज़ों को ज़बरदस्ती भाव दिया जाता है, उन्हें एग्जिस्ट करने दिया जाता है, और किसी किसी आवाज़ों को ज़बरदस्ती दबाव दिया जाता है, और जो हाल में संबित पात्रा के साथ हुआ। मैं नहीं कह रहा कि मैं सरकार के साथ हूँ, मैं नहीं कह रहा कि मैं उस प्रवक्ता ने जो किया मैं उसके साथ हूँ, मैं नहीं कह रहा मैं भाजपा का स्टैंड ले रहा हूँ, मैं इंडिया का स्टैंड ले रहा हूँ। आप एंटी इंडिया फोर्सेज को पनाह दे रहे हैं, एंटी हिंदू फोर्सेस को पनाह दे रहे हैं, लेकिन प्रो हिंदुत्व, प्रो इंडिया, प्रो हिंदू, इनको आप दबाने का काम कर रहे हैं, करते आए हैं, ये नज़र आ रहा था। और जो लोगों की जो जेन्युइन ग्रेवियंसेज हैं उनको एड्रेस करने का कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं था, उसकी डिमांड की गई। वो करिए कि आपको कैसे संपर्क किया जाए डायरेक्टली, कैसे आपको और अकाउंटेबिलिटी आपको ठहराई जाए, कैसे आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बने, कैसे आपका कॉलर और पकड़ा जाए, कैसे आप इसी को सॉल्व करने के लिए बाध्य हो जाएं, इसका समाधान करिए, इसकी डिमांड थी। अब जैसे जो मैं चीज कह रहा था, आप देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। ऑन फरवरी 25 द गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड टाइटर रेगुलेशंस फॉर सोशल मीडिया फॉर्म्स रिक्वायरिंग देम टू रिमूव एनी कंटेंट फ्लैग्ड बाय अथॉरिटीज विद इन 36 आवर्स एंड सेटिंग अप अ रोबस्ट कंप्लेंट रिडर्सल मैकेनिज्म, जो मैं रिडर्सल मैकेनिज्म कह रहा था, विद एन ऑफिसर बीइंग बेस्ड इन द कंट्री, जो मैंने आपको बात बताई कि अगर कभी ऐसा हो कि ये कंटेंट है जिसको हटा दिया जाना चाहिए। अब हो सकता है कि भविष्य में, अगर ये हो सकता है भाजपा सरकार कभी यूज़ कर ले इस पावर का मिसयूज़, हो सकता है भविष्य में कोई सरकारें मिसयूज़ कर लें, हो सकता है भाजपा सरकार इंटेंशन अच्छी हो कि हम गलत, सच में जो गलत जेन्युइनली गलत होंगे उनके लिए हम ये यूज़ करेंगे, लेकिन हो सकता है भविष्य में आने वाली सरकारें इसका मिसयूज़ कर लें। तो इसको बहुत, इस मैकेनिज्म के ऊपर भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए, इसके लिए सरकारें कुछ सोच रही तो बहुत अच्छी बात है।
सोशल मीडिया कंपनीज विल ऑल्सो हैव टू पब्लिश अ मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट डिस्क्लोजिंग डिटेल्स ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड, बहुत जरूरी है, एंड एक्शन टेकन एज ऑल्सो डिटेल्स ऑफ कंटेंट रिमूव्ड प्रोएक्टिवली. आपने कितनी कंप्लेंट रिसीव की, किस पे एक्शन लिया, क्या कंटेंट हटाया, सबकी डिटेल हमें चाहिए. आप समय समय पे मंथली, जैसा यहाँ लिखा हुआ है, आप देते रहेंगे, मतलब कि अकाउंटेबिलिटी बरकरार रहेगी. आप ये नहीं कह सकते कि हम इंटर तो हो गए लेकिन हम अपना समय समय से होता ना कि बच्चा स्कूल ज्वाइन कर लेता है लेकिन अटेंडेंस जरूरी होती है उसकी, अगर नहीं देगा तो फिर उसकी बैक लग जाती है. दे विल ऑल्सो be required to have a physical contact address, physical contact address in India published on its website or mobile app or both. तो इसकी जानकारी हर प्लेटफॉर्म पर ये देंगे, ये required है. अब क्या है सीन कि इसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है, दो चीज़ें, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट के बारे में बात करेंगे. क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है और क्या अपॉर्चुनिटी ये छीन लेता है, मतलब अगर ये बैन हो जाते हैं ये लोग तो, और अगर ये लोग बैन ना होना चाहें और इस कंप्लायंस के अंदर में आ जाएं तो कितना बड़ा स्कोप है पॉजिटिव नेगेटिव, उस पर भी बात कर लेते हैं. बिजनेस टुडे पे जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है उसमें जो डाटा दिया गया कि एज पर द डाटा साइटेड बाय द गवर्नमेंट, इंडिया हैज 53 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स, 44.8 करोड़ यूट्यूब यूजर, 41 करोड़ फेसबुक सब्सक्राइबर्स, 21 करोड़ इंस्टाग्राम क्लाइंट्स, 1.75 करोड़ अकाउंट होल्डर्स ऑन माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर, who has close to 60 lakh users, making it a major social media intermediary under the new guidelines. पहला केस ये ले लेते हैं कि अगर ये लोग comply कर जाते हैं तो क्या होगा कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा, सारे के सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हो जाएंगे जिनका एक, जिनकी एक और ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी होगी, जिस पर कंटेंट अगर थ्रेटनिंग आए, कोई फीलिंग्स को हर्ट करने वाला कंटेंट आए, जेन्युइनली उस पर एक्शन लिया जा सकता है. और प्लेटफॉर्म किस कंटेंट को हटा रहे हैं, किसको जबरदस्ती रखा हुआ है उन लोगों ने, किस कंटेंट पे कंप्लेंस आई है, कंप्लेंस पे कंप्लेंस आई है, आपने नहीं छुआ है उसको, आपने उसको पनपने दिया है, आपने किसकी भावनाओं को हर्ट करते हुए उस कंटेंट को रहने दिया है, या फिर कोई पक्षपात किया है, मतलब किसी को ज़्यादा फेवर कर दिया और किसी को बिल्कुल फेवर ना रहे, तो इसका पूरा हिसाब किताब होगा. अगर ये कंप्लाई नहीं करते हैं और अगर ये हट जाते हैं, जो कि शायद कम चांस है क्योंकि उनको बहुत टाइम दिया जाएगा शायद, अगर ये हट जाते हैं तो इतने यूज़र्स, लोगों के इतने सोशल मीडिया वो डाटा, उनके एक्टिविटीज़, उनके बहुत लोगों के बिजनेसेस, बहुत कुछ अफेक्ट होगा. सिर्फ इन प्लेटफॉर्म्स को ही नुकसान नहीं होगा, करोड़ों में बहुत लोगों को नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ी जनता को नुकसान हो सकता है, क्योंकि हाल ही में डिजिटल इंडिया के तहत लोगों को सोशल आने के लिए प्रमोट किया गया, आपको डिजिटल होना है, डिजिटल होना है, व्हाट्सएप पे बिजनेस करिए, फेसबुक पे प्रमोट करिए अपने आप को, यूट्यूब पे हर जगह प्रमोट करिए, हर जगह बिजनेस करिए. और अगर ये गायब हो जाएंगे एक बार में तो कितनों का पैसा फंस जाएगा, कितने लोगों की, मतलब लोग, बहुत लोग बर्बाद हो सकते हैं, बहुत लोगों का बिजनेस ठप पड़ सकता है, बहुत लोगों को नए नए मॉडल्स ढूंढने पड़ेंगे कि और कैसे हम प्रमोट करें, वो रोड पे आ जाएंगे तरीके से मार्केटिंग के मामले में, डिजिटल मार्केटिंग के मामले में. सरकार भी जानती है कि इतनी तेज़ी से इनको बैन करके हटाया नहीं जा सकता. हाँ, एक दो दिन के लिए इनको बैन कर दो उनको, ताकि हज़ारों करोड़ों का लॉस हो जाए. अगर करेंगे तभी ये होगा कि इनके मन में भी डर रहेगा कि हाँ हमने बात नहीं मानी, जितने दिन हम बैन रहेंगे हमारा हज़ारों करोड़ों का लॉस होगा, तो बात मान के चुपचाप आ जाते हैं. ये सोशल मीडिया के लिए भी सही होगा, ये हमारे मनी मेकिंग फाइनेंशियल मॉडल के लिए भी सही होगा, ये वहाँ की जनता के लिए भी सही होगा, तो वो मान जाएंगे, मान जाना चाहिए. वरना अगर सरकारें नहीं करती हैं बैन कुछ समय के लिए सही, या कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती हैं, तो ये मनमाने हो जाएंगे, सरकार को लाइटली लेंगे, जनता को लाइटली लेंगे, और जैसे अभी तक मनमानी करते हैं करते रहे. अब अपॉर्चुनिटी क्या है, अगर ये बैन हो जाता है तब ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, लेकिन इतना बड़ा स्पेस बन जाएगा, जैसे कू ऐप अभी एग्जिस्ट करता है, सरकार की बात मान ली है, कू है इस गाइडलाइंस के अंदर, लेकिन हमारे पास कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है जो इनको रिप्लेस कर सके, कोई फुल ऑफ फीचर प्लेटफॉर्म नहीं है जो इनकी कमियों को पूरा कर सके. या तो हम धीरे धीरे प्लेटफॉर्म लाएं और इनको धीरे धीरे रिप्लेस करते रहें. कल को ट्विटर नहीं रहेगा तो शायद लोग कू पे आ जाएं, लेकिन इंस्टाग्राम नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे, फेसबुक नहीं रहेगा, यूट्यूब नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे. हमारे पास स्पेस है इंडियन मार्केट में, आप पहले उन प्लेयर्स को आमंत्रित करिए, जो कि सरकारें कई बार कर चुकी हैं कि आप आइए ट्विटर का रिप्लेसमेंट बनाइए, फेसबुक का, यूट्यूब का रिप्लेसमेंट बनाइए, इतने सारे स्टार्टअप स्कीम फंडिंग सब चल रही हैं, लेकिन पता नहीं अभी तक क्या कर रहे हैं लोग, क्या इनोवेशन की और क्रिएटिविटी की कमी आ गई भारत में. ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ, बहुत क्रिएटिव लोग हैं, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ. और इसके बंद होते ही
जरूरी नहीं कि एक दो दिन में, इन सारी हैवी प्लेटफॉर्म को बनने में महीनों लग जाते हैं, 2-3 महीना, 4 महीना लग सकता है, 6-6 महीने लग सकते हैं। तो हमारे पास इतना ज़्यादा समय नहीं है, तो या तो इनको एग्जिस्ट करने दिया जाए अगले 6 महीने तक, और इनको और टाइट गाइडलाइंस दी जाए कि भाई आप मानिए, और इनसे ये कहा जाए, धमकी दी जाए कि अगर आप इन कुछ समयों के अंदर अंदर नहीं मानते हैं तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट रेडी हो रहा है, हम आपको परमानेंटली बैन करेंगे जैसे चाइना ने कर रखा है, और हम अपने प्लेयर्स को मार्केट में लाएंगे, और इंडिया के पास अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा, एज सिंपल एज दैट। थोड़ा सा देखो, हर चीज़ में स्ट्रगल होता है, जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि नव निर्माण के लिए पूर्ण विध्वंस किया जाएगा, तो ये पूर्ण विध्वंस है ताकि नव निर्माण किया जा सके। तो आई होप कि सबको समझ में आ रहा हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, कितने लोग इस चीज़ में एक्टिव हैं, कितने लोग इस चीज़ का साथ देना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि सडनली ये बंद हो जाए, लेकिन अगर ये देर लगाए बंद होने में, समय इनको दिया जाए, तो उतने में हमारा जो मार्केट गैप है उसको बड़े बड़े लोग समझें, शायद समझ रहे होंगे, शायद काम चल रहा होगा, शायद कभी भी कोई न्यूज़ आ जाए, लेकिन लोग समझें, अपॉर्चुनिटी को समझें, इनको कॉपी करके ही सही इंडिजिनस प्रोडक्ट लाएं, इनोवेशन के साथ लाएं, नई नई चीज़ें बदलें, इनसे इंस्पायर हों, इन गलतियों को सुधारें, और मार्केट में अपनी जगह बनाएं। भारत आपका इंतजार कर रहा है। आप बताइए वीडियो कैसी लगी आपको, समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ तो कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा लोगों के साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।